साथियों, मैं कलबीर सिंह, ग्राम पोस्ट औरंगाबाद, तहसील मितौली, जिला लखीमपुर से आपसे कुछ इस कोरोना जैसी महामारी में बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, विशेषकर हमारा भारत इस बार कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गया। तो हम लोग जो हैं, कैसे सावधानी बरतें, कैसे कोरोना से बचें। आप देख रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं तो अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, कहीं दवा का अभाव है, कहीं के रख रखाव नहीं है, और कहीं पे तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारे जो बीमार लोग हैं, जो संक्रमित लोग हैं, वो अनावश्यक ही उनकी जान चली जा रही है, और वो अगर थोड़ा एहतियात कर लेते तो उनकी जान नहीं बच सकती थी। साथियों, सबसे पहले एहतियात हम करें, अगर हमको शुरू में कुछ महसूस हो, खांसी आ रही है, नज़ला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, या सर में बहुत भारीपन आ रहा है, तत्काल हम पहले इसकी जाँच करा लें। आज PHC पे जाके हमारे CHC या PHC जाके जांच कराया, अगर आपको कुछ सिम्टम्स आते लगता है कि वहाँ पे है, जांच में कुछ आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कोरोना आ रहा है, तो आपको साधारण किट दे देंगे, 5 दिन अगर आप दवा खा लेंगे तो आप निश्चित ही उससे आपको लाभ होगा। आपकी जो अनावश्यक जो कुछ दिन तक हम लोग तमाम दवाएँ मेडिकल स्टोर से ले लेके खाते रहते हैं और बाद में इतनी तकलीफ बढ़ जाती है, इसके बाद हमको अस्पताल भागना पड़ता है। अगर हम पहले एहतियात कर लेंगे और हम जाँच करा लेंगे तो इससे हम बच सकते हैं और तत्काल हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा, आप देख रहे हैं कि आज तमाम इस महामारी में आप देख रहे हैं कोई किसी को कंधा देने वाला नहीं है। आप तमाम ऐसे हृदय विदारक सीन आ रहे हैं जिसमें लोग लाश को कंधे पे लेके जा रहे हैं। तो साथियों, इन सबसे बचाव के लिए हम लोगों को कोरोना में विशेष सावधानी बरतना है, और ख़ासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से मैं मुखातिब हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर एहतियात कर लेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में हमारा वातावरण खुला हुआ है, पर्याप्त हमारे यहाँ पेड़ हैं, हवाएँ हैं, और शुद्ध जल भी हमारा है। आज इंडिया मार्ट का हैंडपम्प है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में हम आई तमाम ऐसी, जैसे हमारे खुद का गल्ला है, खुद का गेहूं है, धान है, खुद का तेल है, इसका इस्तेमाल करें। और हमारी जो देसी औषधियाँ हैं, चाहे अदरक हो, लौंग हो, जावित्री हो, कलौंजी हो, इन सब का हम एक इसका हम अगर काढ़ा बना के पीते हैं तो ये हमको लाभकारी है। रात में सोते टाइम काढ़ा बना के पिए, और बपारा लें, बपारा अवश्य लें, क्योंकि जैसा भी सुनने में आया कि कोरोना जो अफेक्टेड करता है शरीर में, नाक से घुस के कुछ दिन के लिए यहाँ पे ऊपरी हिस्से में रहता है, तो अगर हम इसका इस्तेमाल करें बपारा का, और नाक से खींचे मुंह से निकालें, मुंह से लें तो नाक से निकालें, ऐसे अगर करते हैं तो हमें लाभ होगा उसका, और हमारे जो कोरोना है इसको मार सकेंगे। इससे सिर्फ हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अनावश्यक बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब ज़रूरत हो बंदा जाए, अपना सामान ले चलाए, और जो आदमी बाहर जा रहा है तो उसको विशेष सावधानी बरतना है। घर में घुसने से पहले हाथ धोना है, मास्क लगा के जाना है, मास्क लगा के आना है, और हाथ मुंह को बढ़िया धोना है, और पर्याप्त परिवार से भी दूरी बनवा के रखें, ताकि जो लोग बाहर निकल रहे हैं काम करने वाले हैं, जाहिर बात है हर आदमी घर में कब तक बैठेगा, कहाँ से रोजी लाएगा, कहाँ से पेट चलाएगा, तो अगर जाता है तो ये सावधानी बरतें। और इसके अतिरिक्त जो हमारा कोरोना का जो शासन के दिशा निर्देश है उसका पालन करें। आज हम अपने सुरक्षित रखेंगे, भारत सुरक्षित रहेगा, भारत स्वस्थ रहेगा। इसके अतिरिक्त तो हम जो इंजेक्शन हमारे 45 साल के लोग हैं वो अवश्य लगवा लें। मैंने भी दोनों डोज इंजेक्शन लगवा ली है, और परिवार में भी हमारे सभी लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं, जिन्होंने लगवाया, एक डोज लग गई, किसी की दूसरी डोज लगना है, तो इंजेक्शन अवश्य लगना है। किसी तरह के जो बहकावे में ना आए कि लोग कह रहे हैं इंजेक्शन से ये हो गया, इंजेक्शन से कोई मर गया, ऐसा कोई नहीं है। आज इंजेक्शन लगवाने के बाद लोग काफ़ी सुरक्षित हो गए हैं, और हमारे जो दवाएँ जो PHC और CHC दी जा रही है उससे तमाम लोग हमारे स्वस्थ हो रहे हैं, और संक्रमण भी कम हो रहा है, और लोगों की मृत्यु दर कम हो रही है, और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। तो साथियों, विशेष सावधानी बरतें, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त स्वस्थ चिकित्साएँ, हमारी स्वस्थ समय सेवाएँ उतनी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम लोग अपने को अगर विशेष सावधानी बरतेंगे, डिस्टेंस बना के रखेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, काढ़ा पियेंगे, गर्म पानी लेंगे, बपारा लेंगे, और जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाके अगर जाँच करा लेंगे, कोरोना की किट से जाँच कराएंगे, एंटीजन किट जाँच करा लेंगे, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। हमारे बीच में हमारे भतीजे साहब हैं, असद अब्बास साहब भी है हमारे साथ में, इनके चचा को थोड़ा सा लगा था कि कोरोना हो रहा है, लेकिन इन्होंने जाँच कराई और ये स्वस्थ हो गए। तो आप अपना अनुभव बताइए, शेयर करिए, आपने कैसे अपने को बचाया। हमारी भी रिपोर्ट RT-PCR की निगेटिव थी, तो उसके बाद टेस्ट कराने के बाद मैं 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहा था। सुबह शाम बफारा लिया, काढ़ा पिया, और बाकी परिवार से दूर रहें और योगा करते रहें, कोई स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी, उससे जो है
अगर वायरस होगा तो आप पर हावी हो जाएगा, स्ट्रेस एकदम ना लें। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, कहा है कि तनाव ना लें, आप तनाव मुक्त रहें। आज कोरोना में फलां जगह ये हादसा हो रहा है, फलां जगह मिट्टी हो रही है, तो आप लोग इससे खौफ ना खाएं और आप मस्त रहिए और कोई चिंता ना कीजिए। अपने को सुरक्षित रखिए, परिवार सुरक्षित रखिए, समाज को सुरक्षित रखिए और देश को सुरक्षित रखिए। स्वस्थ भारत बनेगा, पूरा देश खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा तो हमारे हर इंसान की जाने महफूज रहेंगी और हर इंसान का परिवार सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। मैं कल्वे सेन, ग्राम पोस्ट औरंगाबाद, जिला लखीमपुर के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।